अभी रहता रहा सवाल उनकी शादी रियल है या नहीं उसका। समीर जी एक हिंदू हैं, वो ये जानते थे कि ये निकाहनामा वैलिड नहीं होगा उनकी शादी के लिए क्योंकि वो हिंदू हैं। उन्होंने उसके बाद जाकर स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर उनकी जो वाइफ थी जो मुस्लिम थी उनसे स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर शादी की। आर्यन खान की रिहाई के बाद भी समीर वानखेड़े और नवाब मलिक की आपसी लड़ाई जारी है। क्रूज ड्रग्स केस को लेकर एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े महाराष्ट्र सरकार के निशाने पर हैं। एनसीबी नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर आरोप लगाया था कि उन्होंने मुस्लिम होने के बावजूद फर्जीवाड़ा करके दलित या SC कोटे से नौकरी हासिल की। नवाब मलिक ने इसको लेकर समीर वानखेड़े का कथित निकाहनामा भी पेश किया था। अब समीर वानखेड़े की पत्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसी का जवाब दिया है। क्रांति वानखेड़े ने कहा कि समीर ने सिर्फ मां की खुशी के लिए वो निकाह किया था। निकाह हुआ था ये सिर्फ समीर की मां की खुशी के लिए हुआ था, उसका उनके लिए लीगली कोई महत्व था नहीं। उन्होंने सिर्फ उनकी खुशी के लिए उन्होंने जो पेपर्स बताए वहां पे साइन की। वो निकाहनामा भी समीर की मदर ने फिल किया था क्योंकि इन दोनों को उर्दू आती नहीं। अभी रहता रहा सवाल उनकी शादी रियल है या नहीं उसका। समीर जी एक हिंदू हैं, वो ये जानते थे कि ये निकाहनामा वैलिड नहीं होगा उनकी शादी के लिए क्योंकि वो हिंदू हैं। उन्होंने उसके बाद जाकर स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर उनकी जो वाइफ थी जो मुस्लिम थी उनसे स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर शादी की। इसके वजह से और सिर्फ ये एक डॉक्यूमेंट की वजह से उनकी शादी जो है वैलिड हो गई। इससे पहले समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति और पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने रिपब्लिकन पार्टी के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद रामदास अठावले ने भी नवाब मलिक के आरोपों को निराधार बताया और कहा कि समीर वानखेड़े दलित हैं। मैं नवाब मलिक जी को बताना चाहता हूँ कि भाई हमारे समीर वानखेड़े और उनके फैमिली को बदनाम करने का षड्यंत्र आपने रोकना चाहिए। आपने NCP के प्रवक्ता पद का नाजायज फायदा उठाया है और आप जानबूझकर मतलब ये फैमिली को बदनाम कर रहे हैं। तो मेरा सवाल उनको ये है कि मुस्लिम का विषय तो नहीं है ये, तो बाबा साहब के अनुयायी है, दलित समाज के हैं और इसीलिए मुझे लगता है कि रिपब्लिकन पार्टी ये फैमिली के पीछे है। समीर वानखेड़े को बाल को भी धक्का नहीं लगेगा और रिपब्लिकन पार्टी पूरी उनके ताकत से उनके पीछे रहेगी। वहीं समीर वानखेड़े के पिता का कहना है कि नवाब मलिक बदला लेने के लिए ऐसे आरोप लगा रहे हैं। जो भी कहना है आप सीधा न्यायालय में माननीय न्यायालय में जा सकते हैं। खाली आपके जवाई को जो समीर खान उनका नाम है उनको अरेस्ट किया NCP मेरे बेटे ने, इसीलिए वो हमारे ऊपर मेरे बेटे के मेरे बेटी के मेरे बहू के और मेरे ऊपर जो आरोप लगा रहे ये जाति का, ये मैं कभी भी धर्मांतर नहीं किया ना मेरे बेटे ने किया, ये सब नवाब मलिक जी के आरोप झूठे हैं। इस पर NCP नेता नवाब मलिक ने एक बार फिर कहा कि वो अपने बयान पर कायम हैं। समीर वानखेड़े फर्जीवाड़ा करके इस पद पर बैठे हैं। मैं अपनी बात पे कायम हूँ कि वे SC के सर्टिफिकेट पे फर्जीवाड़ा करके उस पद पे बैठे हैं। एक गरीब शेड्यूल कास्ट का अधिकार उन्होंने छीना है। मैं धर्म की जाति की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ। मैं जो उन्होंने फर्जीवाड़ा किया दलितों के अधिकार को छीना वो लड़ाई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये मामला अब केंद्र सरकार बनाम राज्य सरकार हो गया है। मामला ड्रग्स का था लेकिन अब इसने जाति और फर्जीवाड़े की तरफ मोड़ ले लिया है। देखना होगा जांच के बाद क्या सच सामने आता है। समीर वानखेड़े को नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा या फिर नवाब मलिक के आरोप गलत साबित होंगे।